की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में ताबड़तोड़ एनआईए के रेड के बाद गृह मंत्रालय में हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह को पीएफआई रेड की जानकारी दी गई है। एनआईए ने अमित शाह को छापेमारी के बारे में तमाम ब्रीफिंग दी है। आपको बता दें कि आज सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग से ही देश के करीब 12 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी शुरू की थी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलग अलग दफ्तरों में जैसे कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और इसके अलावा 106 जो इसमें कार्यकर्ता थे, बताया जाता है उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और इसकी सारी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। इसकी पूरी ब्रीफिंग दी गई है कि अब तक किन किन इलाकों में छापेमारी की गई है, कौन कौन से वो शख्स है जिनको हिरासत में लिया गया है। और आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर अब से नहीं है, 2012 से लगातार इसको लेकर तफ्तीश की जा रही है। एनआईए ने कई बार इस मामले में ब्रीफिंग दी है गृह मंत्रालय को और साथ ही लगातार जो एनआईए ने इसमें तहकीकात की थी 2012 से लगातार, उसमें यह रिकमेंडेशन में दिया गया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ यानी कि पीएफआई के जो संबंध है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रहे हैं, टेररिज्म को फैलाने को लेकर रहे हैं, जो फंडिंग को लेकर सवाल उठे हैं, तमाम चीजों को लेकर इसको बैन करने की कई बार सिफारिश की भी बातें सामने आई है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें बहुत लंबा तहकीकात चला, बहुत लंबी इसमें तहकीकात हुई है और उसके बाद आखिरकार अब छापेमारी हो रही है। और अब जो तहकीकात हुई है, इसमें जो छापेमारी हो रही है, उसमें फंडिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया, क्योंकि देश में कई ऐसी गतिविधियां हुई हैं जो कि एंटी नेशनल थी या देश विरोधी गतिविधियां थी, जिनमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ सामने आया था। क्या उनके सदस्य हो या फिर उनके जरिए पैसे पहुंचाने की बात हो, फंडिंग की गई हो, ऐसे घटनाओं को उसी के मद्देनजर ये सारे के सारे रेड की गई है। दूसरी बात है कि अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट एक जो हम कह सकते हैं कि वाक्य हुआ था या घिनौना वाक्य हुआ था, वो था उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या कर देना, जिसमें सर तन से जुदा के नारे लगे थे। और नुपुर शर्मा को लेकर, जो प्रॉफिट महोत्सव को लेकर जो सारी चीजें हुई थी, उसमें भी पीएफआई का हाथ पीछे सामने आया था। पीएफआई के ठिकानों पर रेड से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पीएफआई के टॉप 100 से ज्यादा नेता गिरफ्तार हुए हैं। एसडीपीआई की ओर से अब बयान जारी करके दावा किया जा रहा है कि करीब उनके 100 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए एसडीपीआई क्यों सामने आ रही है। आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भले ही खुद को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोलता हो, लेकिन उसका पॉलिटिकली बहुत डीप लिंक है और उसमें से एक है एसडीपीआई। जो एसडीपीआई है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिटिकल विंग है जो कि इलेक्शन यानी इलेक्शन लड़ता है, पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहता है। उसकी ओर से बयान आया है कि उसके 100 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार किया गया और एसडीपीआई हो या फिर पीएफआई हो, इनके बीच में आप समझ लीजिए कोई ऐसा बैरियर नहीं है, दोनों एक ही संगठन के, अम्ब्रेला संगठन यहां पर पीएफआई है और उसके एक संगठन होता है पॉलिटिकल, वह एसडीपीआई, और उसका एक और छात्र संगठन है जिसका नाम है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उसको लेकर भी कई बार सुर्खियों में चीजें रही है। अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी रेड कर रही है तो दिल्ली से बहुत बड़ी खबर भी आ रही है। दिल्ली में पीएफआई के अध्यक्ष परवेज को एनआईए ने गिरफ्तार किया है, परवेज के भाई को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। सुबह 3:30 बजे के करीब एनआईए की टीम ओखला में परवेज के घर पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। और आपको बताएं क्योंकि दिल्ली में खासतौर पर सीए को लेकर तमाम जो घटनाएं हुई थी, सीए को लेकर जो पूरा का पूरा यहां पर आंदोलन चला था, या जामिया के बाहर जिस तरह के हमने आंदोलन देखे थे, या फिर आपने ईस्ट दिल्ली में जो आंदोलन देखे थे, यहां तक कि जो दिल्ली में राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे इस दिल्ली में, उसमें भी जब छानबीन हुई थी उसमें भी पीएफआई के कनेक्शन सामने आए थे। इसी तरह से चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहां तक कि बिहार में भी बहुत सारे से घटनाएं हुई जिसमें पीएफआई का वाला मॉड्यूल सामने आया था, जिसमें पटना फुलवारे शरीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट था। खैर, दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी जिस तरह से सीए प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में जिस तरह से यहां पर राइट्स हुए थे, इन सभी में पीएफआई के हाथ सामने आए थे। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आपके पास क्या जानकारी आज के रेड को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये इस पूरे ऑपरेशन की एक एक सीक्वेंसिंग हम आपको बता दें, ये सुबह 1 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ। जो एनआईए के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनमें से केवल डीजी यहाँ पर थे, बाकी सारे ऑफिशियल जिसमें एसपी रैंक, डीआईजी और एडीजी तक, सभी ऑपरेशनल एरिया में थे। कुल मिला के सदर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया, ईस्टर्न और वेस्टर्न एरिया, यानी कुल मिला के ये 6 इसके कंट्रोल रूम सेटअप किए गए थे जिसमें सीनियर ऑफिशियल्स खुद मौजूद थे। कुल मिला के 5,000 से ज़्यादा सीएपीएफ और लोकल पुलिस की मदद ली गई और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। ये ऑपरेशन की क्लियरेंस करीबन 1 हफ्ते पहले मिली, जब पीएफआई की डिटेलिंग और सीक्वेंसिंग के हिसाब से जो करीबन 10 से 12 एफआईआर थी, जिसमें बेसिक जो
पूरा मामला था पीएफआई की फंडिंग, पीएफआई के सिंडिकेट और पीएफआई के जो को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, यानी को एग्जिस्टिंग जो उनकी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका रिलेशन आ रहा था। इसीलिए एमएचए की क्लियरेंस लेने के बाद कल रात 1 बजे से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया और 5 बजे तक ये ऑपरेशन चलता रहा। एक बार फिर से हम आपको बता दें, इसमें कुल मिला के एनआईए की पूरी टीम, यानी एनआईए के करीबन 600 से 700 के लगभग ऑफिसर्स और उनके जो बाकी लोग हैं वो इसमें शामिल थे इन्वेस्टिगेशन में। करीबन 5000 की संख्या में सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस के साथ साथ लोकल पुलिस, जो एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस है, उन सब की मदद ली गई और फिर जाके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस समय की बड़ी खबर एक और आ रही है कि होम मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समय एनएसए और साथ में जो डीजी एनआईए है उनसे इस पूरे मामले की उनको डिटेलिंग दी गई है, ब्रीफ किया गया है ताकि वो पीएमओ को भी इसकी जानकारी दे सके। इस तरह से बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा रेड कंडक्ट किया गया था उसमें हर चीज को बहुत पहले से प्लानिंग किया गया और प्लानिंग करने के बाद उसे बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया, तभी एक साथ इतने जगहों पर, 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई और 100 से ज्यादा यहां पर सदस्यों को हिरासत में ले गया, पूछताछ की जा रही है। जैसा कि मनीष ने भी अपडेट भी दिया है कि गृह मंत्री भी इस पूरे मामले पर अब एनएसए डोभाल से भी इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।